नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानिया शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको अंतरदशा के फल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बताया भी है कि अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के द्वारा हम लोगों को फल मिलते हैं। महादशानाथ हमारी प्रकृति को चेंज करता है और अंतरदशा जो है हमको फल ला के देती है। अंतरदशा के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। तो अंतरदशा के फल कैसे मिलेंगे, ये मैं कुछ लास्ट की भी 2 या 3 वीडियो से मैंने आपको बताया है। आपने वो देख ली होंगी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी हूँ तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। आज मैं आगे बढ़ के और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको कि अंतरदशा जब किसी ग्रह की हो तो क्या देखना चाहिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब कहते हैं क्रूर ग्रह सेवे दशा पहारे, ये श्लोक है कि क्रूर ग्रह की दशा हो और उसके अंदर किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो। कैसे ग्रह की? त्रिपंच सप्तरक्ष पतेर विपाके, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें या सातवें नक्षत्र का मालिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के घर में जन्माष्टनाथ भुक्तो चोर अर पीड़ा लभते इति दुखम, चोर पीड़ा होती है, चोरी होती है, लाभ कम होता है और हमेशा दुख बना रहता है, अति दुखित रहता है। यानी यदि क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा आ जाए जो ग्रह जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें या सातवें नक्षत्र का मालिक है, तो उस दशा में शत्रु पीड़ा होती है, जातक अति दुखित रहता है। नक्षत्र का स्वामी कौन है ये तो आप जानते ही हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र में जन्म है, तो रेवती से तीसरा नक्षत्र कौन सा हुआ? तो रेवती, अश्वनी और भरणी, भरणी नक्षत्र हुआ तीसरा नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र हुआ, रोहिणी पंचम नक्षत्र हुआ, कृतिका, फिर रोहिणी आता है, पंचम नक्षत्र हुआ। और उसके अलावा सप्तम नक्षत्र कौन हुआ? आर्द्रा सप्तम नक्षत्र हुआ। तो अब भरणी का स्वामी कौन है? वो शुक्र होता है। रोहिणी का स्वामी जो पांचवा नक्षत्र है जन्म नक्षत्र से, उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी चंद्रमा है। और आर्द्रा जो सातवां नक्षत्र है जन्म नक्षत्र से, उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी हमारा राहु है, आर्द्रा का स्वामी। तो तीनों के स्वामी हम नोट कर लिए। पहले तो हमने ये नोट कर लिया कि हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र कौन कौन सा है, फिर उसके स्वामी नोट कर लिए। उन स्वामी जो नोट करे हैं उनको हमने साइड में रखा और फिर ये देखा कि अगर क्रूर ग्रह की महादशा है, मान लो शनि की महादशा है या मंगल की महादशा है या राहु की महादशा है, किसी भी क्रूर ग्रह की, सूर्य की महादशा है, किसी भी क्रूर ग्रह की महादशा है और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा है जो ग्रह जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र का स्वामी है, तो अति दुख होगा। तो ऐसे ही इसके अंदर हमने जो निकाले तीन ग्रह हमने निकाले, इसके अंदर आपका शुक्र भी निकाला हमने, राहु भी निकाला हमने, चंद्रमा भी निकाला हमने, और मान लो शनि की दशा चल रही है, तो जब भी शनि की दशा में शुक्र की दशा, चंद्रमा की दशा या आर्द्रा की दशा आएगी तो फल जो मिलने हैं वो तो आपको मिलेंगे, साथ में आप दुखी भी रहेंगे, आपके घर में चोरी हो सकती है, फलों में कमी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि यदि किसी क्रूर ग्रह की दशा हो, इसके लिए ये जरूरी है कि दशा जो महादशा है वो क्रूर ग्रह की होनी चाहिए। जब चंद्रमा की दशा हो या बुध की दशा हो या शुक्र की दशा हो या गुरु की दशा हो, उसके अंदर अंतरदशानाथ के लिए ये नियम हमको नहीं लगाना है कि वो तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र का मालिक है या नहीं है। जब ही लगाना है जब महादशा क्रूर ग्रह की। तो ये दोनों नियम जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये दोनों नियम जब ही लगने हैं जब महादशा क्रूर ग्रह की। इसी प्रकार जब क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें जन्म राशि के स्वामी की अंतरदशा हो, जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठा है उस राशि के स्वामी की अंतरदशा हो, या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा हो, तो भी चोर पीड़ा, शत्रु पीड़ा और दुख आदि कष्ट होते हैं। किसी ग्रह की क्रूर दशा हो, क्रूर ग्रह की दशा हो, कोई भी क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो, क्रूर ग्रह की दशा हो और उसमें जन्म राशि के स्वामी की अंतरदशा आ जाए,
जो आपका जन्म राशि बनती है, जहां चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की अंतर दशा आ जाए, या जन्म राशि से अष्टम के स्वामी की दशा आ जाए, तो चोर पीड़ा, शत्रु पीड़ा और दुख आदि कष्ट होते हैं। तो ये दशा के अंदर ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं शनि चतुर्थी चे गुरुस्तु षष्ठी, मतलब शनि की दशा यदि चौथी हो, चे गुरुस्तु षष्ठी और गुरु की दशा यदि छठी हो, और कुजा और राहु, कुजा कौन सा होता है ग्रह, मंगल, और इनकी दशा मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हो जन्म से, मतलब जैसे यह है कि आपका जन्म हुआ, जन्म के समय आपकी कोई दशा थी, जैसे सूर्य की दशा थी जन्म के समय, उसके बाद दूसरी दशा आपकी चंद्र की आई, तीसरी दशा आपकी मंगल की आई, चौथी दशा आपकी राहु की आई, पांचवी दशा आपकी जो हमारा गुरु है उसकी आई, छठी दशा आपकी शनि की आई। तो इस तरह दशा का क्रम है, वो हम जानते ही हैं दशा क्रम। तो यही लगाइए कि जन्म से अगर मान लिया, सपोज कीजिए कि शनि की दशा चल रही है और शनि आपके जन्म से चौथी दशा है, शनि की दशा आपके जन्म से, तो वहां क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में, वहां एक घंटी बजनी चाहिए कि भैया इस वाली दशा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होगी। शनि आपका बहुत अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, त्रिकोण लाभ भाव में है, सब रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उस दशा में कष्ट भी मिलेगा 100% अगर शनि की दशा चौथी है, जन्म से चौथी दशा है शनि की। तो जब भी शनि की दशा हो, बृहस्पति की दशा हो और मंगल और राहु की दशा हो, तो एक बात देख लीजिए कि शनि की दशा जन्म से चौथी दशा तो नहीं, बृहस्पति की दशा जन्म से छठी तो नहीं, और मंगल और राहु की दशा जन्म से पांचवी तो नहीं। तो ऐसे केस में कष्ट होना निश्चित होता है। उसके बाद ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि मंगल यदि मकर में हो, मकर राशि में हो और लग्न से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो, तो राज्य प्रधान करता है, और ऊर्ध्वमुख राशि में होना चाहिए उसको। मंगल यदि ऊर्ध्वमुख राशि में है और मकर में है तो राज्य प्रधान करता है, दसवें स्थान में है तो राज्य प्रधान करता है। ऐसा जातक शत्रुओं को जीतकर बहुत बड़ी सेना का अधिपति हो जाता है, राज्य लक्ष्मी का भोग करता है, उसके आश्रय में अनेक लोग अपना पेट पालते हैं। यदि मंगल ऊर्ध्वमुख राशि में स्थित होकर मकर में हो, मकर राशि में हो और लग्न से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो, तो राज्य प्रधान करता है। ऐसा आदमी के पास सेना बहुत बड़ी होती है, सेना का अधिपति होता है और उसके आश्रय में अनेक लोग अपना पेट पालते। फिर कहते हैं नीचा रिष्ठ व्यय संसिता ही शुभा प्रच्छंत शुभानी सर्वे। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं यदि शुभ ग्रह नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, छठे या बारहवें भाव में हो, छठे आठवें या बारहवें भाव में हो, तो यह सब अशुभ फल दिखाते हैं। मतलब कोई भी शुभ ग्रह, शुक्र है, गुरु है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, यदि वो नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो कुंडली के अंदर, या छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो, तो वो अशुभ फल दिखाएगा। और पाप ग्रह यदि अपनी नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप ग्रह कौन से, सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, वो अपनी राशि नीच राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में हो, या छठे या बारहवें या छठे आठवें या बारहवें भाव में बैठे हों, तो वो तो अपना फल विपरीत दिखाते हैं, मतलब वो तो अमोघ कष्ट देंगे। कहने का मतलब ये है कि शुभ ग्रह भी अगर छठे आठवें बारहवें भाव में आ गया तो उसकी शुभता में भी कमी आ जाती है। छठे आठवें बारहवें भाव में आने से उसकी शुभता में कमी आ जाती है। ऑल्दो यद्यपि जो छह आठ बारह के रिजल्ट आपको खराब मिलने वाले थे, उन रिजल्ट को वो थोड़ा कम करता है, उनकी अशुभता को थोड़ा कम करता है, पर उनके कारकत्वों की हानि होती है, ग्रहों के कारकत्वों की। अगर चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, ये छठे आठवें भाव में जाएं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो थोड़े कष्टों को तो उनके दूर करेंगे, लेकिन उनके कारकत्वों की हानि भी होगी, क्योंकि वहां जाके वो भी अपने कारकत्वों की हानि कर लेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि पाप ग्रह छठे आठवें बारहवें भाव में चला जाए, या शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो उसने तो बहुत ही भयंकर परिणाम देने,
इसने तो उल्टा पलटा आपने, क्योंकि एक तो वाग ग्रह हुआ, फिर आपका 6-8-12 में हो गया, तो वो बहुत ही नीच परिणाम दे पाया। उससे तो कष्ट निश्चय ही होता है और छुटकारा पाना संभव नहीं होता। उसके बाद है, यदि ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका शत्रु हो। मान लिया दो चीजें हैं, महादशा और अंतरदशा। आपने देखा कि जिसकी अंतरदशा है जिस ग्रह की, वो महादशा का शत्रु है। महादशा का शत्रु होना चाहिए, सिंपल सिद्धांत है। शत्रु मित्र कौन कौन है यह मालूम है, ग्रह के शत्रु कौन कौन है, ग्रह के मित्र कौन कौन है वो हमको मालूम है। तो यदि ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका शत्रु हो, तो वो कहता है ऐसी अंतरदशा अच्छी नहीं जाती, शत्रु का भय रहता है, नंबर वन। दूसरी चीज, ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जिसकी महादशा चल रही है उसकी शत्रु राशि में हो, वो अंतरदशा नाथ, जो अंतरदशा नाथ है महादशा की शत्रु राशि में हो तो भी प्रॉब्लम होती है, या उससे छठे बैठा हो तो भी प्रॉब्लम होती है। महादशा नाथ से छठे आठवें बारहवें बैठा हो तो भी प्रॉब्लम होती है। तो महादशा नाथ का और अंतरदशा नाथ का एक्सिस भी देखना बहुत जरूरी है। अगर दोनों का एक्सिस 6-8 का या 2-12 का है तो जाहिर है समस्या होगी ऐसी दशा के। तो यदि ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका शत्रु हो, या शत्रु राशि में हो, या छठे हो, या लग्नेश का शत्रु हो, तो ऐसी अंतरदशा में शत्रु का भय होगा, स्थान का भय होगा, नौकरी या मकान छूट सकता है। अंतरदशा बहुत कष्टकारक बीतती है और जातक के मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि महादशा और अंतरदशा नाथ को एक बार चेक कर लें, क्या दोनों दूसरे के शत्रु हैं, या दोनों दूसरे के मित्र हैं या नहीं मित्र हैं, या क्या चीजें हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, उसके हिसाब से दशा का रिजल्ट आप वर्णित करें। और ये पॉइंट मैंने आपको पीछे बता ही दिया, इसमें ये सीधा वही कहते हैं कि यदि महादशा जिस ग्रह की दशा चल रही है और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, आप देख लीजिए, अगर उन दोनों में 6-8 का एक्सिस है, मतलब महादशा से अंतरदशा नाथ छठा है या महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ आठवां है, तो वो अंतरदशा कष्ट कारक होती है, या 2-12 का एक्सिस है तो वो कष्ट कारक होती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी महादशा और अंतरदशा को देखें कि आपकी बुध की महादशा है और सूर्य की अंतरदशा है, तो बुध और सूर्य का कुंडली के अंदर एक्सिस भी देखें कि क्या एक्सिस है बुध और सूर्य कुंडली के अंदर, 6-8 का एक्सिस है, 5-9 का एक्सिस है, या 4-10 का एक्सिस है, या 3-11 का एक्सिस है, वो भी चेक करते हैं। अगर 6-8 का या 2-12 का एक्सिस है तो हम कह सकते हैं कि इस दशा में कष्ट होंगे, क्योंकि 6-8 का 2-12 का एक्सिस जो है वो कष्टों को भी इनवाइट करता है, फलों के साथ साथ कष्टों को भी इनवाइट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि मृति शना स्थित वहांश केशयो, मृतिशना मतलब मृतिशना मीन्स अष्टमेश, मृतिशनाथ कौन हुआ, मृत्यु भाव का स्वामी कौन हुआ, नाथ, मृत्यु भाव का स्वामी हुआ अष्टमेश। अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वामी, वो नोट कर लीजिए, अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वामी को नोट कर लीजिए, अष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी को नोट कर लीजिए, और उन दोनों में देखिए कौन बनवा है, फिर क्या होगा, जब भी उस बलवान ग्रह की महादशा आएगी और बृहस्पति गोचरवश निम्नलिखित में से कहीं भी आवे तो मृत्यु होने की संभावना है, अश्वमेध जिस राशि में हो, अश्वमेध जिस नवांश में हो। आपको मैं आई रिपीट में दोबारा समझाता हूं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अष्टमेश जिस राशि में है उसको आपने नोट कर लिया, आपका 8th लॉर्ड कुंडली का वो किस राशि में है आपने उसको नोट कर लिया, वो राशि नोट कर ली। अब 8th लॉर्ड किस नवांश में है वो राशि आपने नोट कर ली, उन दोनों राशियों को और नवांश को नोट, वो नवांश राशि को आपने नोट कर लिया। अब जब भी बृहस्पति गोचर में उन राशियों में आएगा तो मृत्यु कारक कष्ट हो सकता है, किसकी दशा में, उन दोनों में जो बलवान हो। दो ग्रह आपने देखे, अष्टमेश मान लिया, अष्टमेश मंगल की राशि, तो मंगल एक ग्रह हो गया, और अष्टमेश बुध के नवांश में है तो एक ग्रह बुध हो गया, तो मंगल और बुध में दोनों में देखेंगे बलवान कौन, तो जब भी उसकी दशा आएगी
अश्वमेध जिस राशि में है और अश्वमेध जिस नवांश में है उस पे बृहस्पति जाएगा तो मृत्यु होने की संभावना होती है। मृत्यु कारक कष्ट होते हैं, मृत्यु तो मत लीजिए उस चीज को, अगर मारक खंड चल रहा हो तभी मृत्यु लीजिए, लेकिन मृत्यु कारक कष्ट होते हैं। इसी प्रकार लगन से 22वें देश कौन का स्वामी और लगन जिस देश कौन में स्वामी, लगन जिस देश कौन में है, लगन से 22वें देश में स्वामी आप जानते ही हैं कि आपकी लगन कुंडली बनी हुई है, तो 22वें देश कौन का स्वामी कौन हुआ आपका, जो देश कौन कुंडली है D3 चार्ट आपका है उसका 8वें भाग का स्वामी आपका 22वें देश कौन का स्वामी, और लगन किस देश कौन में है। यहाँ लगन कुंडली में लगन क्या है और देशकांड कुंडली में लगन क्या है उसका स्वामी देख लीजिए। मान लीजिए लगन कुंडली देशकांड कुंडली में राशि बैठती है मेष, तो आपका स्वामी बन गया मंगल, जिस देशकांड में है उसका स्वामी मंगल बन गया लगन जिस देशकांड में है। और लगन से 22वें देशकांड का स्वामी, मान लीजिए लगन से 8वें भाव में D3 के अंदर राशि बैठी है कन्या, तो उसका 22वें देशकांड का स्वामी हो गया बुध, तो दोनों मंगल और बुध में से कौन सा बली है वो चेक कर लीजिए। तो जब वो इन राशियों पे आएंगे, बृहस्पति इन राशि पे आएगा तो भी ये प्रॉब्लम होगी, इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह का कष्ट आपको हो सकता है। बृहस्पति गोचर वर्ष उन राशियों पे आए या उन स्थानों पर आए तो मृत्यु की संभावना होती है उन जगहों की, जहां पे अश्वमेध जिस राशि में है, अश्वमेध जिस नवांश में है या जो भी स्थान बताए गए हैं आपके, उससे होता है अगर वहां पर उस राशि में वो आए। तो हमेशा कुंडली में आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो अष्टम भाव का स्वामी है वो किस राशि में है, अष्टम भाव का स्वामी जो है वो किस नवांश में है, और उन दोनों में से कौन बलवान है। जो बलवान हो उसकी दशा में बृहस्पति जब अश्वमेध जिस राशि में है या अश्वमेध जिस नवांश पे है, उस राशियों पे, उस राशि पे या उस नवांश राशि पे आए तो कष्ट होगा, मृत्यु कारक कष्ट होता है, ऐसा आपको ध्यान देना चाहिए। तो किसी भी भाव के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको आज यहीं तक बताता हूं, इसके बाद के नियम आपको आगे बताऊंगा, तो क्योंकि एक साथ ज्यादा नियम बताने से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इन नियमों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कुछ थोड़े से नियम और बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग दिसंबर में एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और इसके साथ साथ उसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें ज्वाइन कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोग कुंडली की प्रैक्टिस का कोर्स बैच भी एक चला रहे हैं जहाँ पे कुंडली प्रैक्टिस की जाती है, अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी दिए गए नंबर पे संपर्क करके शामिल हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।